नमस्कार, कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.4। आज हम इसका पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? आइए देखते हैं बच्चों, इस चैप्टर में हमने जो मेन एक नई विधि सीखनी है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि आप जानते हैं, पिछले चैप्टर में हमने प्रतिस्थापना विधि पढ़ी थी, जिसमें कि एक रकम में से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में रखी थी और उसी हिसाब से हमने अपनी इक्वेशन को हल किया था। लेकिन इस इक्वेशन में, आज इस प्रश्न में हम करेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि। आइए देखते हैं इसे कैसे हल किया जाना है। सबसे पहले हमारे पास एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। मैं इन इक्वेशंस को एक बार पुनः लिखता हूँ। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब हम इन इक्वेशंस को नंबर देंगे। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ध्यान से देखना, जो मैं करने जा रहा हूँ, हमें करना ये है, इक्वेशन 1 को किसी ऐसी संख्या से, या इक्वेशन इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण को किसी ऐसे नंबर से गुना करना है ताकि दूसरी इक्वेशन के साथ और पहली इक्वेशन के जो x के या y के दोनों में से किसी एक के भी जो गुणांक हैं वो एक जैसे हो जाएं। देखो कैसे, यदि मैं पहली इक्वेशन को 2 से गुना कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 10, यानी हर एक चीज को 2 से गुना कर दिया तो यहां भी 2x आ जाएगा और यहां भी 2x आ जाएगा। एक तरीका तो ये है कि इसको नहीं करना, सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से गुना कर दो तो ये बन जाएगा 2x, तो यहां भी है 2x, बाकी साइन हो चाहे ना हो, यहां 2y आएगा, यहां माइनस 3y आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक गुणांक सेम हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से यदि मैं इस पहली इक्वेशन को 3 से गुना कर दूंगा, माइनस 3 से गुना कर दूंगा तो ये बनेगा माइनस 3x, माइनस 3 गुना वाई हो जाएगा माइनस 3y और यहां भी है माइनस 3y। समझे आप मेरी बात? कैसे पता लगेगा 2 से गुना करना है 3 से? वो यहां इस इक्वेशन के गुणांक से पता चलेगा। ठीक है, यहां देखिए, सबसे पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हम यहां x के साथ है 2, यहां x के साथ कुछ भी नहीं है, तो इस पूरी रकम को किससे गुना करूं ताकि x के साथ 2 आ जाए? 2 से गुना करूंगा, तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से गुना कर दो, तो x को 2 से गुना करके आया 2x, y को प्लस y को 2 से गुना करके आया प्लस 2y बराबर 5 को 2 से गुना करके आया 10। ये हमने पहली इक्वेशन में से बनाई है। दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख दो, ये है 2x माइनस 3y बराबर 4। आप देख रहे हैं, पहली इक्वेशन को 2 से गुना किया, दूसरी इक्वेशन को किसी से गुना नहीं किया, इनको ऊपर नीचे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक लंबी सारी लाइन लगाएंगे और इन इक्वेशंस को हम माइनस करेंगे और इन इक्वेशंस को हम माइनस करेंगे। आइए देखते हैं, अगर इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, इसके साथ साइन है प्लस, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब 2x माइनस 2x हो गया 0, तो 0 नहीं लिखना, प्लस 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 2 और 3y हो गया 5y बराबर 10, में से 4 माइनस कर दो तो आ गया 6,
माइनस क्यों किया, क्योंकि यह 10 प्लस का है, 4 अब माइनस का है, प्लस का नहीं है माइनस का है। तो यहां से y किसके बराबर आ गया, 6, 5 इधर y के साथ गुना हो रहा है, इधर आके हो जाएगा भाग। तो y का जो मान है वो हमारे पास कितना आ गया है, 6/5। y का मान कितना आ गया है, 6/5। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को चाहे इक्वेशन 1 में डाल दो चाहे इक्वेशन 2 में डाल दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। 1 इक्वेशन है x प्लस वाई, वाई की जगह 6/5 बराबर है 5 के। अब हम इसे हल करेंगे, x बराबर 5, 6/5 यहां x के साथ प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये 6+5 इधर प्लस का था उधर गया तो माइनस हो गया। इसे हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, x बराबर 5 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा 5, 5 को नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना करते हैं, 5 को 1 से भाग किया 5, उस 5 को ऊपर 5 से गुना कर दिया, 5×5=25, माइनस 5 को 5 से भाग किया 1, 1 को ऊपर 6 से गुना कर दिया तो 6, तो x आ गया 25 में से 6 माइनस किया 19 बटा नीचे है 5, तो ये हमारे पास x का मान आ गया है। देखिए हमारे पास समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 5 और 2x-3y=4, तो हमने देखा कि हमारे पास x का मान आया है 19/5 और y का मान आया है 6/5। यह ही इस समीकरण का हल है। किसी भी समीकरण का हल का मतलब है, यदि उस वो x y में समीकरण है तो x और y का मान निकाल दीजिए। ये हमने इस समीकरण में निकाल दिया है। धन्यवाद।